वेलकम दोस्तों, हमें एक फ्रेंड ने पूछा था स्प्लिट एसी है, उसके एक्युमुलेटर पे आइस फ्रॉस्ट होता है। जैसा कि आप देख सकते रहेंगे, इसके ऊपर इस तरह से आइस फ्रॉस्ट होता है। क्या प्रॉब्लम हो सकता रहा है, कौन से कारण से जो इसके ऊपर आइस इस तरह से फ्रॉस्ट होता है, क्या क्या रीजन हो सकता रहेगा, हमें क्या क्या चीज चेक करना चाहिए, तो ये वीडियो में इसी के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, कैसे आइडेंटी करेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते रहेंगे। अगर आपको मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। एयर कंडीशनर हमारा नॉर्मली विंडो एसी हो या फिर स्प्लिट एसी हो, इसमें ज्यादातर देखने को मिलता है एक्यूमुलेटर जो है कंप्रेसर के साथ में लगा रहता है, या और बहुत से एसी आते हैं वो सेपरेट अलग लगा रहता है। एक्यूमुलेटर का काम किया रहता है, इसके अंदर जो भी हमारा लिक्विड आता है इसे रिसीव करता है, लिक्विड जो हमारा डायरेक्टली कंप्रेसर में ना जाए। ये हमारा एक इक्वलाइजर जो है काम करता है, जो लिक्विड को कंट्रोल करता है कंप्रेसर में ना जाए। जैसे कि हम जानते हैं डायरेक्टली अगर लिक्विड ही हमारा कंप्रेसर में जाएगा कंप्रेसर खराब हो सकता रहेगा। जैसा कि हम लोग ये भी जानते हैं, अगर ज्यादा लिक्विड फॉर्म हो रहा है, ज्यादा लिक्विड हो रहा है, चिल हो रहा है, तो क्या होगा, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, शूटिंग होता है, तो वही चीज में हो रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या चीज चेक करेंगे, सबसे पहले इसका हमें गैस चेक कर लेना चाहिए। अगर सिस्टम में हमारा गैस कम है, जैसे कि एग्जाम्पल एवेपरेटर में अगर जो जो हमारा इंडोर में जो है गैस जो है कम जा रहा है, सक्शन प्रेशर इसमें कम है, यानी गैस ही कम है, वो कंडीशन में भी इसमें आइस फॉर्म हो सकता रहेगा, आइस जम सकता रहेगा, या सक्शन पाइप पे पकड़ करके पूरा यहाँ तक आ सकता रहेगा। इसमें हमारा सक्शन पाइप आइस नहीं जम रहा है, सिर्फ एक्यूमुलेटर पे ही आइस जम रहा है, वो आगे हम समझेंगे। अगर हमारा गैस कम रहेगा तभी प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, या फिर हमारा इवेपोरेटर का जो है फिल्टर ब्लॉक हो गया, या फिर हमारा ब्लोअर का स्पीड जो है कम चल रहा है, इवेपोरेटर डस्टी है, ये सब तो कॉमनली रीजन रहता है हमारा सक्शन प्रेशर लो होने का या और आइस फॉर्म होने का। ये भी जो हमारा सक्शन लाइन में ही है, अगर हमारा इवेपोरेटर से हमारा सही सर्विस नहीं रहेगा, प्रॉपर सही क्लीन नहीं रहेगा, सब कुछ सही नहीं रहेगा, तो क्या होगा, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और आइस जमता है। इफेक्ट कैसे इसमें पड़ जाता है ज्यादा, ये हम समझते हैं। एक्यूमुलेटर जैसे जो रहता है इसके अंदर ऊपर में टॉप में फिल्टर लगा रहता है। कई बार क्या होता है, जिसके हम लोग जानते हैं स्प्लिट एसी या फिर बड़े एसी कोई सा भी हो सकता है, उसका जो हम फिल्टर बहुत से आउटडोर में ही लगे रहते हैं, कचरा वगैरह जो रहता है जो फिल्टर होकर के इवेपोरेटर में ना जाए। बट कई बार होता है बारीक जो है कार्बन है, मॉइस्चर वगैरह है, चावल कुछ प्रॉब्लम हो से कैसे ही कुछ बारीक कण जो है अगर हमारा इवेपोरेटर से पास होकर के चला जा रहा है, तो क्या होगा, वापस हमारा जो एक्यूमुलेटर रहता है इसमें आकर के इसके फिल्टर में आकर के फंस जाता है। एग्जाम्पल एक कंप्रेसर पुराना हो सकता रहेगा, या फिर कंप्रेसर में जो है कुछ प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, या फिर इवेपोरेटर में जो रहता है उसमें कुछ क्वाइल में या फिर पाइप में कुछ मॉइस्चर कार्बन वगैरह जम सकता रहेगा, जिससे उसका कचरा वगैरह जो है बन कचरा के रूप में जो क्या होता है हमारा ये फिल्टर एक्यूमुलेटर के ऊपर टॉप में जो रहता है फिल्टर रहता है, आइस जो रहता है जो गैस हमारा इंटर होता है ऊपर से उसके बीच में ही फिल्टर लगा रहता है। फिल्टर क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। जब फिल्टर ब्लॉक हो जाएगा तो गैस तो वहां से अगर हमारा ऊपर से तो नीचे आ रहा है, बट जो नीचे हमारा जा रहा है टॉप में बॉटम में जा रहा है, नीचे कंप्रेसर में जा रहा है, बॉटम में जो जा रहा है वो प्रेशर कम हो जाएगा, कम प्रेशर हो जाएगा। जब जैसे अगले हम जानते हैं गैस का क्वालिटी जैसा है, अगर उसका प्रेशर कम हो जाएगा तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जूस पे शूटिंग आएगा या फिर आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो रीजन इसका यही है, मेन पॉइंट जी है, अगर इस तरह से सिर्फ हमारा एक्यूमुलेटर के ही ऊपर से आइस फॉर्म हो रहा है, आइस फ्रॉस्ट हो रहा है, तो इसके अंदर जो फिल्टर रहता है ये ब्लॉक हो गया है, ये जो है इसके अंदर ब्लॉक हो गया है, खराब हो गया, कचरा वगैरह आ गया है। तो इसे क्या कर सकते रहेंगे, या तो आप इसे जो है पूरा नया रिप्लेस चेंज करें, एक सोल्यूशन है अगर आपके पास बजट है तो। अगर आप सिर्फ चेंज नहीं करना चाहते, इसे नॉर्मली चलाना चाहते हैं, तो इसके अंदर जो फिल्टर रहता है इसके हमें क्या करना होगा, जो सक्शन पाइप है एक्यूमुलेटर के ऊपर जो पाइप ज्वाइंट रहता है वो ज्वाइंट को हमें हीट करके निकाल देना चाहिए, काट करके या कैसे हीट करके उसे निकाल देना चाहिए। निकाल देंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके अंदर जो फिल्टर रहता है इसके अंदर से मार करके फाड़ देना है। ये थोड़ा रिस्क है, लॉन्ग टाइम वर्क नहीं करेगा, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो हमारा नया फिल्टर ही चेंज करना, या फिर ये सेट अगर नया चेंज कर सकते हैं तो बेटर है,
क्रोमेटर चेंज कर सकते हैं तो बेटर, नहीं चेंज कर सकते तो आप इसको, एक सोल्यूशन नहीं है इसका है टेम्पररी, आप इसको क्या कर सकते हैं ऊपर से जो फिल्टर रहता है स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको अवेश के मार करके इसका जो जाली रहता है इसके अंदर रहता है फिल्टर उसे फाड़ देना है। फाड़ देंगे तो क्या होगा, गैस जो हमारा सब्ल्यूट ऊपर से नीचे डायरेक्टली आ जाएगा, यानी कि फिल्टर में जो फिल्टर गैस फिल्टर नहीं होगा, बट इसका हमारा कैपिलरी ट्यूब या फिर आउटडोर में ऑलरेडी फिल्टर तो रहता ही रहता है, बट ये भी एडवांस रहता है जो डायरेक्टली कंप्रेसर को रोकता है, उसके अंदर कचरा वगैरह न जाए, ऑयल को हो गया, ये ऑयल को रोक लेता है और अपना लिक्विड को भी रोकता है जो हमारा डायरेक्ट कंप्रेसर में न जाए, ये इसके फायदे रहते हैं बेनिफिट रहते हैं। बट ये जो हमारा कचरा वगैरह ज्यादा आ रहा है यहाँ ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक होने की वजह से ही इसमें आइस फॉर्म होता है, जैसे हमने बताया जब इसके ऊपर प्रेशर जो जैसे लो हो जाएगा, जैसे कि हमारा पूरा जाली है अगर पंच हो गया ब्लॉक हो गया है तो क्या होगा, पूरा अच्छी तरह से ब्लॉक नहीं होता, कोई कोई जाली जो है गैप की इधर उधर रहेगा तो वहां से हल्का हल्का गैस जो नीचे जाएगा, जब हल्का कंप्रेसर ताकत से खींचता है प्रेशर से खींचता है तो गैस जो उसके नीचे जाएगा और यहाँ पर धीरे धीरे हल्का हल्का थोड़ा लिक्विड में आएगा, जब थोड़ा ऐसा कैसे गैस का क्वालिटी ऐसा है, जब थोड़ा उसका प्रेशर कम हो जाएगा तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा ऑटोमेटिक लिक्विड फॉर्म हो जाता है। सोल्यूशन इसका ये नया चेंज करें या इसको सक्शन पाइप खोल करके इसे जाली को तोड़ देंगे तो गैस के अंदर जाएगा। तो बेसिक यही प्रॉब्लम रहता है इसका, एक्यूमुलेटर ब्लॉक होना, पंपिंग और भी बहुत से होते हैं रीजन जैसे बताया हमने, एयर फिल्टर ब्लॉक होना या फिर एयर ब्लोअर इवेपोरेटर ये सब भी ब्लॉक होने की वजह से भी ऐसा आ सकता है, बट आएगा तो क्या होगा, इसे कि मैंने बताया कई बार जो होता है इसका जो है पूरा फुल परसेंट जो बहुत से लोग पूछ सकते रहेंगे सर इवेपोरेटर में हमारा पाइप आइस नहीं आ रहा इस पर क्यों आ रहा है, ये चीज आप समझ लीजिए इसका फिल्टर के अंदर आता है अगर पूरा 100% नहीं ब्लॉक है, 100% नहीं ब्लॉक होगा, 100% ब्लॉक रहेगा तो पूरा नहीं जाएगा, इसमें मान के चलिए आपका 80% ब्लॉक है, 20% थोड़ा कोई किधर की जैसे जाली वगैरह गैप है गैस जा रहा है तो थोड़ा प्रेशर जा रहा है, अगर सिर्फ हमारा सक्शन पाइप है क्या होगा नहीं आइस जाएगा, अगर हमारा इवेपोरेटर में ही जमा हुआ आइस आ रहा है वहां से आ रहा है वहां से पकड़ करके पूरा आइस जाएगा, इससे मतलब गैस कम हो सकता रहेगा और रीजन हो सकता रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा, इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन आता है उसको ऑन जरूर करें। अगर आप कंप्रेसर एसी का फ्रिज का कोई सब स्पेयर पार्ट्स खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट कर सकते रहेंगे, बाय कर सकते रहेंगे, अभी बहुत से टूल्स का ऑफर चल रहा है, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का ऑफर चल रहा है, इसका फायदा आप ले सकते रहेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप वीडियो नेट से नए लोग पास शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप सोशल मीडिया कहीं पर शेयर करें जिससे नए लोकल भी हेल्प हो सके, कुछ नए टेक्निशियन भाई लोग उनको भी मालूम चल सके अगर एक्यूमुलेटर के ऊपर इस तरह से आइस जमता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता रहे, कैसे इसे ठीक कर सकते रहेंगे। तो वीडियो का फीडबैक दीजिए क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।